और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं मंत्री शकुंतला रावत के पुत्र का सगाई समारोह होटल ली मेरिडियन में। ये सगाई समारोह हो रहा है और मुख्य मंत्री अशोक गहलोत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी मौजूद हैं। हरित्विक की देवयानी के साथ सगाई हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जुरान मंत्री महेश जोशी भी समारोह में पहुंचे हैं। कई गणमान्य लोग समारोह में शिरकत कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें होटल ली मेरिडियन की, जहां ये कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नवजीवन की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं। ऋत्विक की शादी देवयानी से होगी और आज सगाई का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम होटल ली मेरिडियन में हो रहा है। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, विधायक, कई मंत्री मौजूद हैं जो पहुंचे हैं आशीर्वाद देने के लिए। एक नई जिंदगी की शुरुआत और आज सगाई का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं, आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। वरिष्ठों का आशीर्वाद बेहद महत्वपूर्ण होता है और ये देखिए मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने का क्रेज आपको हर जगह दिखाई देगा। इस समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, जिनके पुत्र का सगाई समारोह है और यह समारोह होटल ली मेरिडियन में हो रहा है, जहां से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम आपको इस समारोह के दिखा रहे हैं। ऋत्विक की देवयानी के साथ सगाई और सगाई के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं शुभकामनाएं देने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। और भी कई नेता पहुंचे हैं, मानकर चलिए पूरी कैबिनेट लगभग पहुंचेगी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं शकुंतला रावत, संगठन के तरफ से पीसीसी चीफ डोटासरा पहुंचे हैं, मेरे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, क्योंकि एक बड़ा दिन होता है और हर कोई चाहता है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं आशीर्वाद देने के लिए, और कौन कौन पहुंचा है? बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो सगाई समारोह में पहुंचे हैं कुका स्थित होटल ली मेरिडियन में। पीछे श्री गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो भी उनके साथ हैं। इसी के साथ जो मंत्री महेश जोशी हैं वो भी पहुंचे थे, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, विधायक गंगा देवी, यही तो तमाम लोग हैं, कई गणमान्य लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। साथ ही जो दूल्हा दुल्हन को यहाँ पर जो बधाइयां हैं, जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ ही जो हालांकि बात करें तो यह प्रोग्राम बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए रखा गया है, तकरीबन 200 से 300 लोगों को इस समारोह में बुलाया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब सभी के साथ में जो सेल्फी क्रेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वो सेल्फी ले रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे और कुछ के बाद में यहाँ से रवाना होंगे। फिलहाल अभी 5 से 10 मिनट गहलोत है वो यहाँ पर रुकेंगे और अभी कुछ देर पहले उन्होंने जो वर वधु हैं उनको आशीर्वाद दिया है। जी, नवीन, ऋत्विक और देवयानी के बारे में कुछ बताइए। दोनों की आज सगाई समारोह है, इसके बाद विवाह समारोह होगा। जो होटल ली मेरिडियन है उसके अंदर जो विवाह समारोह है, ऋत्विक का जो सगाई है वो देवयानी के साथ आज हुई है। इसके बाद में विवाह समारोह आयोजन होगा, जिसके अंदर जो सगाई समारोह है इसके अंदर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि शकुंतला जो रावत हैं उद्योग मंत्री हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी बैठे हुए हैं। जी, और कौन कौन पहुंचे हैं? ठीक है, अगर जो मंत्री महेश जोशी हैं, रफीक खान हैं, अमीन काकी हैं विधायक, उसी के साथ जो गंगा देवी विधायक है वो यहाँ पर, और इसके साथ जो कई गणमान्य लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं जो ये दोपहर 12 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसके अंदर राजधानी के कई गणमान्य लोगों ने इसमें शिरकत की थी। जो महापौर हैं हेरिटेज नगर निगम की मुनेश गुजर वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। इसी के साथ जो रफीक खान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो यहाँ पर जलपान ले रहे हैं, उसके बाद
यहाँ से थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना होंगे। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर चाय पी रहे हैं। जी जी नवीन, शादी कब की है? क्या तारीख अभी से मुकर्रर हो चुकी है, तय हो चुकी है, वक्त लगेगा? देखिए अभी फिलहाल वक्त लगेगा, अभी हेड नहीं हो पाई है। क्या जो सगाई समारोह है वो यहाँ पर आयोजित किया गया है, इसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, इसके साथ जो गोविंद सिंह कोटसरा है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है, जो तमाम जो कांग्रेस के विधायक है, अमीन काग जी की बात करूँ उनको भी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, इसी चीफ गोविंद सिंह कोटसरा है वो भी यहाँ पर है, मुनेश गुजर है जो महापौर है हेरिटेज नगर निगम की, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। जी नवीन, अमूमन इस तरीके के प्रोग्राम में पॉलिटिकली बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सभी एक दूसरे के कनेक्शन में होते हैं, लेकिन मुझे तस्वीरों में कोई बीजेपी का नेता दिखाई नहीं दे रहा। क्या उनके लिए अलग से कार्यक्रम है या वो वहां से होकर जा चुके हैं? देखिए उजिंदर, ये प्रोग्राम बेहद एक छोटा प्रोग्राम रखा गया था, तकरीबन 200 से 300 लोगों को ही इसके अंदर आमंत्रित किया गया है, और ये तकरीबन 12 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ था और अब तकरीबन आधे से एक घंटे बाद ये प्रोग्राम खत्म होगा। जी बिल्कुल नवीन, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जलपान ग्रहण करते हुए तस्वीरें हैं, होटल से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, क्योंकि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के पुत्र का सगाई समारोह, और ये ली मेरिडियन के अंदर समारोह चल रहा है, जिसमें जिस तरीके से मेरे सहयोगी नवीन बता रहे हैं कि काफी लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है, 200 के आसपास लोगों को बुलाया गया है। ऋत्विक की देवयानी के साथ सगाई हो रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, और ये स्टेज की तस्वीर जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, और दूसरी तरफ उनके जलपान की तस्वीरें, मंत्री महेश जोशी पहुंचे हैं, हेरिटेज के मेयर मुनेश गुर्जर पहुंचे हैं, अमीन कागजी पहुंचे हैं, रफीक खान पहुंचे हैं, विधायक गंगा देवी पहुंची हैं, इसके अलावा भी यकीनन कई नए नेता पहुंचे होंगे आशीर्वाद देने के लिए। ये तस्वीरें हैं ली मेरिडियन होटल से। नवीन, क्या यह माना जाए कि एक पारिवारिक कार्यक्रम है और उसमें उससे इतर बस उन्हीं नेताओं को लोगों को बुलाया गया है जिनका पहुंचना बेहद जरूरी? चलिए नवीन को वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें होटल से उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के पुत्र का सगाई समारोह ली मेरिडियन के अंदर यह समारोह चल रहा है, और मुख्यमंत्री वक्त निकालते हैं जहां भी उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है वो जरूर पहुंचते हैं, अपने बिजी स्केड्यूल में वो हमेशा वक्त निकालने की कोशिश करते हैं, और इसलिए आप उनको ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के कार्यक्रम में देखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता के बीच में जुड़ना बेहद जरूरी है, और इस तरीके के कार्यक्रम तो और ज्यादा उनके साथ रिश्तों को मजबूत करता है। हालांकि ये जिस तरीके का कार्यक्रम है वो गहलोत सरकार में मंत्री उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के पुत्र का ही सगाई समारोह है, ऐसे में न सिर्फ मंत्रिमंडल के मुखिया के तौर पर बल्कि एक अभिभावक की भूमिका में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पहुंचना जरूरी भी था, और एक जिम्मेदारी के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। ये तस्वीर हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, बुके के साथ उनका स्वागत किया गया, उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी हैं, सत्ता और संगठन दोनों एक साथ, ऋत्विक की देवयानी से सगाई हो रही है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, इसके अलावा बाकी नेता भी पहुंचे हैं, महेश जोशी पहुंचे हैं, रफीक खान पहुंचे हैं, मुनेश गुर्जर पहुंची हैं, गंगा देवी पहुंची हैं, वो भी आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, कई गणमान्य लोग पहुंचे हैं। हालांकि ये प्रोग्राम बेहद सीमित लोगों के लिए रखा गया, जिस तरीके से मेरे सहयोगी नवीन बता रहे थे कि लगभग 200 के आसपास लोगों को बुलाया गया है जिनमें परिचित भी हैं, तो ऐसे में काफी कम नेता आपको प्रोग्राम की तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जब सत्ता और संगठन दोनों ही एक साथ आ जाएं,
तो मानकर चलिए कि पूरा परिवार ही आ गया। शकुंतला रावत की बेटे का सगाई समारोह, प्रदेश की शादी देवयानी से होनी है आज सगाई का कार्यक्रम। और जरा देखिए सभी के अंदर मुख्यमंत्री से मिलने का, उनके साथ फोटो खिंचवाने का क्रेज। मुख्यमंत्री पहुंचे आशीर्वाद देने के लिए, नए जीवन की शुभकामनाएं देने के लिए। ली मेरिडियन होटल के अंदर यह कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बेहद सीमित लोगों को बुलाया गया है। ऋत्विक की देवयानी के साथ सगाई और सगाई का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पहुंचे, मंच पर पहुंचे, आशीर्वाद दिया। मेरे सहयोगी नवीन लगातार जुड़े हुए। नवीन, क्या मुख्यमंत्री अब रवाना हो रहे हैं? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है अब एक या दो मिनट में यहाँ से रवाना होंगे और जो कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। जी तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आरटीडीसी के चेयरमैन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संकट में हनुमान की भूमिका निभाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ वो भी पहुंचे हैं। ऋत्विक और देवयानी को आशीर्वाद देने के लिए ली मेरिडियन होटल के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद दिया, जलपान ग्रहण किया और अब कुछ ही देर में वहां से वो निकलेंगे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवीन लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नवीन, मुख्यमंत्री शायद वहां से रवाना हो रहे हैं। फिलहाल जो होटल के जो पोर्च है वहां पर वहां तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, यहां से रवाना होने वाले हैं। जो मंत्री शकुंतला रावत है वो भी यहाँ पर उनको विदा करने के लिए आई है और इसी के साथ जो कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनसे मुलाकात की है। इसके साथ गोविंद सिंह डोटसरा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो कांग्रेस के कई विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो हेरिटेज की महापौर हैं मुनेश गुजर वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ जो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं और अभी अपनी कार में बैठने वाले हैं। इसी के साथ जो उन्होंने वरवधु को आशीर्वाद भी दिया है, वरवधु को आशीर्वाद देने के बाद वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं, वहाँ पर हाईटी भी और हाईटी के बाद में अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। जी नवीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, इसके अलावा अन्य नेता भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे यहां, आशीर्वाद दिया और अब यहां से रवाना होते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री के इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रम के अंदर भी मुख्यमंत्री को शिरकत करनी है। आरएएस आरपीएस लेखा सेवा अधिकारियों का संयुक्त अधिवेशन होना है, ऐसा माना जा रहा है कि उस कार्यक्रम के अंदर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, क्योंकि लगभग 5:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री का वहां पहुंचने का कार्यक्रम और मुमकिन है यहां से वो सीधा इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ही रवाना हो रहे हैं।